शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल किसानों को कपास का रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। देश की सभी मंडियों में कपास के भाव 10,000 से 13,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जबकि 2022-23 के लिए इसका MSP 6,380 रुपए तय किया गया है। यानी इस फसल से किसानों की अच्छी कमाई हो रही है। वहीं बावजूद इसके देश में इसकी बुआई पिछले साल की तुलना में कम हुई है। देश भर के किसानों ने 2022-23 सीजन में, बता दें, 9 जून तक 11 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई की है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक है। हरियाणा में 5.90 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 2.31 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 1.54 लाख हेक्टेयर और कर्नाटक में 0.72 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है। बताया गया है कि नहर का पानी देर से छोड़े जाने से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की बुआई में देरी हो रही है। वहीं उत्तर भारत के सिंचित क्षेत्र में कपास की बुआई आमतौर पर अप्रैल के अंत में शुरू होती है। देश के वर्षा सिंचित क्षेत्र में इसकी शुरुआत जून में होती है। वहीं भारत में कपास का लगभग 70% क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। पंजाब में कपास की खेती में पिछले साल के 3.25 लाख हेक्टेयर की तुलना में 23.6% की गिरावट दर्ज की गई है, जो पंजाब सरकार के 4 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य से काफ़ी कम है। वहीं 9 जून तक केवल 2.48 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई थी और बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है। बुआई में कमी का मुख्य कारण अनियमितता पानी और बिजली की आपूर्ति थी। वहीं पूरे कपास क्षेत्र में सरहिंद नहर में दरारों के कारण पानी की कमी को मुख्य कारण बताया गया है। दूसरा कारण खराब बिजली आपूर्ति को बताया गया, जिसके कारण किसान नलकूपों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। वहीं घंटों बिजली नहीं रहने से कपास की बुआई में कमी आई है। पिछले साल यहां कपास की खेती पर पिंक बॉलवर्म का भी हमला हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।